दोस्तों, ऑपरेशन खुखरी भारतीय सेना की शौर्य की एक ऐसी मिसाल है जिसे याद कर आज भी भारतीय नागरिक गर्व महसूस करते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन सियरा लियोन के तहत अफ्रीका में अंजाम दिया था। वैसे ये एक ऐसा बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन था जिसमें भारत के अलावा घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया भी शामिल थे, लेकिन इस ऑपरेशन को केवल भारतीय सेना ने अपने दम पर अंजाम दिया था और विद्रोहियों के संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के चंगुल से ढाई महीने से फंसे 223 भारतीय जवानों को आजाद कराया था। यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में लगे भारतीय सेना के जवानों को विद्रोहियों ने बंधक बनाकर रखा था। उन विद्रोहियों से कई देश उलझना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि भारत को ऑपरेशन खुकरी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने किसी भी तरह की मदद देने से साफ इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन के अधिकारी भी इस ऑपरेशन से दूर रहना चाहते थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने इतने कठिनाई होने के बावजूद भी इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये बात 90 के दशक की है, जब अफ्रीका के सियरा लियोन में तबाही मची हुई थी, लोग मारे जा रहे थे। साल 1991 से गृह युद्ध चल रहा था। ना जाने कितने लोग इस गृह युद्ध में मौत की भेंट चढ़ चुके थे। किसी तरह से ये गृह युद्ध 8 साल बाद तब शांत हुआ जब वर्ष 1999 में वहाँ की निर्वाचित सरकार ने विद्रोहियों को बातचीत के लिए राजी किया। कई दौर की बातचीत हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्रोहियों ने सेना और सरकार के साथ समझौता कर लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस समझौते को पूरे देश में लागू करना। यूनाइटेड नेशन वहाँ के हालात पर लगातार नजर रख रहा था, लिहाजा समझौते को लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक शांति सेना तैयार करने का फैसला किया। शांति सेना का गठन हुआ, भारतीय सेना भी शांति सेना का हिस्सा बने। अप्रैल 2000 में भारतीय सेना के जवान शांति सेना में शामिल हुए और उन्हें केलाउन और दारू इलाके में तैनाती दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 मई 2000 को विद्रोहियों के संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के कुछ तत्वों ने मैकेनी इलाके में सैन्य बलों पर हमला कर दिया। अगले दिन वहां सेना के कुछ कमांडरों की विद्रोहियों के नेताओं के साथ बैठक थी। उसी दौरान विद्रोहियों ने बैठक के बहाने सैन्य कमांडरों को बंधक बना लिया और पूरे इलाके में कब्जा कर लिया। 10 दिन बीत चुके थे। वहां की जनता और शांति सेना के दबाव में विद्रोही बैठक में शामिल होने गए कुछ चुनिंदा अधिकारियों को वापस बेस पर जाने की इजाजत दी। साथ ही कुछ बंदरों को रिहा भी किया गया, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। विद्रोहियों ने 500 केनाई शांति सैनिकों के हथियार छीन लिए और फ्री टाउन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात से इलाके में दहशत का माहौल था। इसी बीच ब्रिटिश सैनिकों ने फ्री टाउन से नागरिकों और कर्मचारियों को हटा दिया था, लेकिन केलाउन में हालत खराब होते जा रहे थे। वहां 8वीं गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां सैकड़ों विद्रोहियों के बीच अपने बेस में घिरे हुए थे। फिर मौका पाकर भारी संख्या में वहां मौजूद विद्रोहियों ने उन्हें बंधक बना लिया। भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए हर संभव रास्ता तलाश किया जा रहा था। विद्रोही नेता से बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब भारतीय सेना इंतजार नहीं कर सकती थी। भारत ने विद्रोहियों के कब्जे से अपने 223 जवानों को किसी भी हाल में छुड़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। तब भारतीय सेना ने विद्रोहियों को सबक सिखाने की ठान ली। भारतीय सेना ने ऑपरेशन खुकरी की तैयारी पूरी कर ली थी। 30 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा करने का प्लान था, लेकिन उस इलाके में भारी बारिश हो रही थी। ऐसे में ऑपरेशन शुरू करना खतरे से खाली नहीं था। करीब 10 घंटे के बाद बारिश थम चुकी थी। वो 15 जुलाई का दिन था। भारतीय सेना के जवान विद्रोहियों से लोहा लेने के लिए तैयार। आखिरकार बंधक संकट के 75वें दिन ऑपरेशन खुकरी शुरू हुआ। भारतीय सेना के दल में करीब 2000 जवान थे। इतने ही विद्रोहियों ने भारतीय सेना के 223 जवानों को बंधक बना रखा था। विद्रोहियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना उनके घर में घुसकर हमला करेगी, और ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेरकर विद्रोहियों को परास्त कर दिया। इस दौरान कई विद्रोही भारतीय सेना के हाथों मारे गए। इस तरह भारत के वीर सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ाया और इस दिन को यादगार बना दिया। इस ऑपरेशन खुकरी को मेजर जनरल वी के जेटली के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, और इस ऑपरेशन पर हर भारतीय को हमेशा गर्व रहेगा। दोस्तों, ऑपरेशन खुकरी के भारतीय सेना के शौर्य के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।